हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे पीएसयू ऑडिट, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स। एंड कहीं ना कहीं आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा। सर कम से कम 5 नंबर का तो बनता ही बनता है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूं, ये टॉपिक में कुछ भी है ही नहीं, पीएसयू ऑडिट में कुछ है ही नहीं, बस आपने इसको पूरे दिल से शिद्दत से पढ़ना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। सारी की सारी चीजें अभी हम इस रिविजन वीडियो में वापस रिकॉल करेंगे, मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो सर हमको क्या कराना है, पीएसयू का ऑडिट कराना है, बट सवाल ये है करेगा कौन। तो मैंने कहा दो बदमाश लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसको करते हैं, सीएनएजी प्लस एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, प्यार से बोलेंगे क्या आईएएडी, बोलो मेरे साथ प्यार से बोलते हैं आईएएडी, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। फिर हमने कुछ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेन मेन चीजें आपने याद रखनी है, सीएनएजी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएनएजी को निकालना आसान काम है या मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, ओनली ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट वॉज सीएनएजी के पास क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, ये कौन से एक्ट में लिखा है, सर हम सबका फेवरेट एक्ट CNAG DPCS Act 1971। DPCS का क्या मतलब है, ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस। उसको ड्यूटी निभाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, पावर के बाद वो क्या करेगा, सर्विस करेगा। तो CNAG DPCS Act 1971, ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये हमें आगे भी काम आएगा जब हम टेस्ट ऑडिट की डिस्कशन करेंगे। अब सीएनएजी के एडवाइस पे कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मेट बता सकता है किस तरीके से यूनियन और स्टेट को अपने अकाउंट्स रखने हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कहीं ना कहीं सीएनएजी ऑडिट होना चाहिए। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन, सारे बच्चे बताओ, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, डाकिया डाक लाया, मैंने कहा नहीं लाया तो क्या करे, इंटरनेट से मंगा लो। यानी जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, वो वाले जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो इसमें आएंगे। फिर हमारे अगले दो पॉइंट्स तो बड़े इजी थे, कमर्शियल नॉन कमर्शियल, बोलो मेरे साथ कमर्शियल नॉन कमर्शियल, पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस जिसमें आती है गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज, कम ऑन नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज, सर इसमें क्या आएगी, दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द यूनियंस एंड स्टेट्स, एग्जांपल दिल्ली की यूनिवर्सिटी। एंड लास्ट पॉइंट वॉज एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी जिसका मोटा मोटा पैसा कौन देता है, यूनियन और स्टेट देता है, विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। तो चार पॉइंट्स हो गए, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, यानी इसमें क्या आएगा, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस, कमर्शियल नॉन कमर्शियल और एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी दैट इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। फिर हमने बोला सर क्या, जब सीएनएजी ऑडिट करता है, जब सीएनएजी कहीं ना कहीं ऑडिट करेगा तो वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, अपनी कमेटियां, केसरिया तेरा, तीन कमिटीज हैं, तीन बहनें हैं जो कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगी, उस रिपोर्ट को स्टडी करके वो किसके पास जाएंगी, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास। पहली कमेटी कौन सी, पैक, सर पैक का मतलब क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो अकाउंटेंट है उसको किससे दिक्कत है, उसको किससे दिक्कत है, पैसे से, कि जो भी पैसा डिसबर्स हो रहा है, जो भी पैसा जा रहा है वो लीगली जाए, जिस भी पर्पस के लिए जा रहा है। दूसरी चीज, जो भी पैसा जा रहा है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइजिंग द सैंक्शन। एंड जब ये खर्चा हो गया, जो बचेगा उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको अपन प्यार से क्या बोलते थे, रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड, बोलो मेरे साथ रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड। वाह सर, एक बार फिर से, रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड। एंड लास्ट वाला पॉइंट था बेसिक पॉइंट जो इसको करना भी चाहिए, सर क्या करना चाहिए, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। तो जैसे हमारे घर की वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक, वैसे यहां पे हमारे पास दो बॉडीज है, कौन सी, ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। अगली कमेटी कौन सी कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी। सर एस्टीमेट्स कमेटी का काम क्या है, एस्टीमेट्स कमेटी का काम है कि वो इवेल्युएट करे, वो रिव्यू करे, किसको, एस्टीमेट्स को। सर किस चीज के लिए रिव्यू करें, कि जो एस्टीमेट्स में बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, इंप्रूवमेंट्स होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमीज बढ़ेगी, तो इवेल्युएट वेदर द इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स एफिशिएंसीज कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर क्या है, मैंने कहा एस्टीमेट्स, पॉलिसी के अंडरलाइंग एस्टीमेट्स में भी इफेक्टेड, क्या एक्चुअली इन इफेक्ट इतनी अच्छी चीजें होंगी,
ठीक है सर, अगर नहीं तो सजेस्ट द ऑल्टरनेट पॉलिसी। अब आपने पॉलिसी में बोला हम 100 करोड़ का पुल बनाएंगे, तो क्या 100 करोड़ है? यानी आपने देखना है वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे 100 करोड़ कौन देगा? मोदी जी। मोदी जी कहां बैठे? पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो आप जाओ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में उनको एस्टिमेट्स देना, बट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। सो सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स विल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। अब आता है सर कोपू, गोपू का भाई कोपू। सर कोपू हमारी लास्ट कमेटी थी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कहीं ना कहीं हमारी फ्रेंड बन चुकी है। सबसे पहले क्या एग्जामिन करेंगे? रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, फिर उन अकाउंट्स पे सीएनएजी की रिपोर्ट। अब आप इवेल्युएट करो क्या आपने जो इसको एफिशिएंसी दे रखी है, ऑटोनॉमी दे रखी है, दैट एफिशिएंसी एंड ऑटोनॉमी इज एज पर एसबीपी पीसीपी। सर एसबीपी का मतलब था साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, पीसीपी का मतलब है प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई और फंक्शन जो स्पीकर मैडम इसको उठा के दे दे। देन लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड अबाउट सीएनएजी वाज हिज रोल एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। क्या मस्त टॉपिक था सर ये। इसमें क्या होता है, सीएनएजी दो काम करके देता है। सबसे पहले जो सीएनएजी की रिपोर्ट है, मैंने आपको बताया था ना सर, क्या बताया था आपने, इधर देखो जो सीएनएजी की रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो क्या जाती है, तीनों कमिटीज की वर्किंग का बेसिस बनती है, ठीक है सर। प्लस अगर डिपार्टमेंट ने कोई नोट्स भेजे हैं, मिनिस्ट्रीज ने कोई नोट्स भेजे हैं, कौन चेक करेगा वो नोट्स सही है कि नहीं? वो भी सीएनएजी चेक करेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या था, पेरेंट टीचर मीटिंग। थर्ड पॉइंट था पेरेंट टीचर मीटिंग, यानी जो तीनों कमिटीज है कौन है, सर ये टीचर है, पापा कौन है, पेरेंट कौन है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बच्चा कौन है, डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। तो जो पेरेंट है, सॉरी जो टीचर है, वो अपनी रिपोर्ट कार्ड दे देगा। किसको दे देगा? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि आपके बच्चों ने ये दिक्कतें हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और ऑब्जर्वेशंस के साथ ये रिकमेंडेशंस भी दे देगा, ठीक है सर। क्या यही बात लिखी है? हाँ, विद द ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशन। अब बच्चे क्या लेंगे सर? बच्चे एक्शन लेंगे। बच्चे मतलब कौन? डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज है कहीं ना कहीं वो एक्शन लेंगे। तो अब टीचर का काम क्या है? एक्शन टेकन रिपोर्ट दे दे। नाउ टीचर विल ट्रांसफर द एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एंड लास्ट पॉइंट वॉज, अगर किसी बच्चे की रिपोर्ट का डिटेल में डिस्कस नहीं हुई, इफ एनी ऑडिट रिपोर्ट कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो आप बच्चे से क्या करेंगे सर? हम बच्चे से रिटर्न आंसर ऑब्टेन करेंगे, यानी जो भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, यू हैव टू ऑब्टेन रिटर्न आंसर्स फ्रॉम देम। तो सारे बच्चे चारों के चारों पॉइंट्स अभी के अभी रिकॉल करके बताओ। सबसे पहले सीएनएजी की रिपोर्ट जो है वो उसके लिए बेसिस ऑफ वर्किंग फॉर्म करती है। जो भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से नोट्स आते हैं वो स्क्रूटिनाइज करके देती है। थर्ड पॉइंट इज द पेरेंट टीचर पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट इज इफ एनी रिपोर्ट कुड नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो आप रिटर्न आंसर ऑब्टेन करके चलेंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो, कुछ मसाला नहीं था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रोल ऑफ सीएनएजी इन द ऑडिट ऑफ कंपनीज। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है सर? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। दूसरा रोहित शेट्टी। सर रोहित शेट्टी का काम क्या है? डायरेक्शन। एक्टर का काम क्या है? एक्शन और उसका इंपैक्ट। डायरेक्शन, एक्शन, इंपैक्ट, कम ऑन, डायरेक्शन, एक्शन, इंपैक्ट, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करके चलनी है। 143 सबसेक्शन 5। फिर आता है सर 143 6A। 6A में क्या आएगा? 6 फॉर, स से 6, स से सप्लीमेंट्री ऑडिट, स से 60 डेज, यानी 60 डेज के अंदर अंदर अगर सीएनएजी चाहे तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है। 6B का मतलब क्या था? सीएनएजी चाहे तो कमेंट कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट पे, सप्लीमेंट कर सकता है, एंड दैट कमेंट, सुनो ना इधर तो देखो, दैट कमेंट विल गो टू एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड 143(7) में क्या होता है? टेस्ट ऑडिट। उसमें क्या होता है बोलो? हमको नहीं पता। हमको नहीं पता कहां लिखा है, ये पता है कहां लिखा है, सेक्शन 19A, हमारा फेवरेट एक्ट, सीएनएजी डीपीसीएस एक्ट 1971, सीएनएजी ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस। फिर से बोलो, सीएनएजी ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? सिंपल सी बात है, जिसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा मोदी जी के पास, वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, या फिर सेंट्रल और स्टेट के पास मिला के, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। प्लस इनकी जो बच्ची, सर कौन है वो बच्ची? सब्सिडरी कंपनी, वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। फिर हमने कंप्लायंस ऑडिट की बात की थी, इसमें कुछ नहीं होता, आपने बेसिकली कंप्लाई करना है किसके साथ? कंट्रोल्स के साथ, एग्रीमेंट्स के साथ, लॉज एंड
रेगुलेशंस के साथ। दो तरह के कंप्लायंस ऑडिट होते हैं, रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी में किससे कंप्लाई करना है? लॉज, रेगुलेशंस, एग्रीमेंट्स। प्रोप्राइटी में किससे कंप्लाई करना है? एसएफएम और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द ऑफिशियल्स। एसएफएम मतलब साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, कंप्लायंस ऑडिट कैसे कैसे हो सकता है? अकेले अकेले हो सकता है या फिर मिलके हो सकता है। किसके साथ मिलके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के साथ और परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या था सर? इट वॉज द एग्जामिनेशन। इधर देखो बड़ा मस्त टॉपिक चल रहा है। ये क्या था सर? इट वॉज द एग्जामिनेशन। कैसी एग्जामिनेशन? ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। कम ऑन, ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ताकि आप दे सको इंडिपेंडेंट असेसमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस? जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज है, जो भी पब्लिक सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं, इससे क्या फायदा होगा? पब्लिक का फायदा होगा। इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। अब इसमें तीन चीजें आती थी बड़ी सिंपल सिंपल, ईईई। बोलो मेरे साथ, ईईई, स्माइल ई। इसमें क्या आएगा सर? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। कम ऑन, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का क्या मतलब है? कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा। आहा, तो जो भी मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं सर? हम यही तो चाहते हैं, कम से कम खर्चे में मजा आ जाए। तो हमको क्या चाहिए? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एन एक्टिविटी, कंसिडरिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। गॉट इट सर। एफिशिएंसी का मतलब क्या था? इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो, जैसे कि मैंने बनाना शेक बनाया, मेरे को कितने केले लगे सर? मेरे को 2 केले लगे। अब अगर किसी का 2 केले में काम हो रहा है, किसी का 3 केले में काम हो रहा है, तो आपने बेसिकली कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कंसीडर करके चलनी है। मिनिमाइजिंग द रॉ मटेरियल फॉर मैक्सिमाइजिंग द फिनिश्ड गुड्स। अब सर इसमें अपने को क्या करना है? मैंने कहा गेम बड़ा सिंपल है, एफिशिएंसी गिर रही है तो एफिशिएंसी के लिए हमको देखना है कि रॉ मटेरियल प्रॉपर आना चाहिए। आपकी साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है सर। जब आप मटेरियल प्रोक्योर करके लाए, क्या उसको खराब होने देंगे या उसको प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करेंगे? सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। जब प्रोटेक्ट एंड मेंटेन किया तो आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स बड़े सिंपल थे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एफिशिएंट वाले पॉइंट्स होते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स है, एंटिटीज है, एफिशिएंटली मैनेज करो। जो उनके ऑपरेशंस है, उसको एफिशिएंटली मैनेज करो। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब था? क्या आपके टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं? सीए फाइनल स्टूडेंट, क्या आपने अपने टारगेट्स अचीव करे कि नहीं? क्या आपके दिन भर के टारगेट्स अचीव होते हैं? सर, दुखती रख पे हाथ मत रखो, सॉरी। अब इधर देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब है एक्सटेंड टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड एंड द रिलेशन बिटवीन योर इंटेंशन एंड एक्चुअल रिजल्ट। जो आपका इंटेंडेड और एक्चुअल इंपैक्ट है, क्या उसके बीच में रिलेशन है? सबसे पहले बताओ, हम क्या करेंगे? स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। हमने बोला हम देश की सफाई करेंगे, तो सफाई कराने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल और लीगल रिसोर्सेज। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड मींस हैं, लीगल और फाइनेंशियल, क्या ये कंसिस्टेंट है विद द पॉलिसी? द आंसर इज यस। अगर हां, तो क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए? एक्सटेंड टू विच द रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड। इफ यस, तो जो रिजल्ट्स अचीव हुए, एविडेंस से बताओ, एविडेंस से बताओ कि वो रिजल्ट्स आपने खुद अचीव करे या किसी और वजह से हुए थे। एस्टैब्लिश विद एविडेंस जो सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट आया है। बोलो मेरे साथ, जो सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट आया है, दैट इज ड्यू टू द पॉलिसी और अदर कॉजेस। एंड आखिरी में फिर वही बेसिक बात है, क्या आपका प्रोग्राम इफेक्टिव है? नहीं तो सजेस्ट द वेज टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस। वेरी वेरी इजी। गॉट इट सर। अब आ जाओ सर लास्ट पॉइंट, केस स्टडी बाय आईसीआई। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कल? हमने इसमें बेसिकली एक बात डिस्कस की थी कि आईसीआई कहां से आ गई, जो भी गवर्नमेंट है वो लेके आई थी मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है सर। अब हमको तो आता ही नहीं है, तो इसका परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसपे कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है? ओ, ऐसा क्या सर? हाँ, उसके बाद देखो इसको लाया क्यों गया था, कम से कम इतना वेतन तो मिले। ये मजदूर साल भर दिन भर कितना काम करते हैं, इनको कम से कम इतनी पगार तो मिलनी चाहिए। तो इनका क्या इंप्रूव होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहीं ना कहीं इतने देखो, कहीं ना कहीं इनका क्या इंप्रूव होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपने देखना कि भाई साहब सिंपल सी बात, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स पे ये एक्ट लगता है। दूसरा, कहीं ना कहीं इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ या नहीं। अब एक बार बताओ, थर्ड पॉइंट भूल गए, तो थर्ड पॉइंट में क्या थे? 3E।
तीन ई का क्या मतलब था? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड दैट्स व्हाट परफॉर्मेंस ऑडिट इज ऑल अबाउट। अब अगर आपको लगता है दिक्कतें आ रही है, देयर मस्ट बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में? गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट, ईएसआई, पीएफ डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही होगी। अब जो भी आपको लकुना मिलती है, जो भी आपको गैप्स मिलते हैं, उनको आपने पॉइंट आउट करना है ताकि हमारा सिस्टम स्ट्रेंथन हो सके। पांचों के पांचों पॉइंट्स आया हो आपको क्लियर है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सर हमको क्या करना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। दूसरा हमको क्या करना है सर, दूसरा हमको सिंपल सी बात है क्या करना है, दूसरा हमको यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ कि नहीं। फिर आपने ट्रिपल ई देखे, अब अगर लगता है कुछ चीजें इंप्रूव नहीं हो रही तो देयर मस्ट बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर जो लकुना है वो बताओ ताकि चीजें स्ट्रेंथन हो सके। अब आते सर मसालेदार टॉपिक्स, सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, तीन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अपना पुराना काम, किसी और का काम। तीन डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? ईपीएल। सर ईपीएल का क्या मतलब था? जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ईपीएल है। ईपीएल का मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स। कम ऑन, एंटिटी, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव, एंटिटी, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव, बोलो ना, एंटिटी, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव, पॉलिसी। एंटिटी में क्या आते हैं जल्दी से बताओ, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी में तुम क्या लोगे? उनकी पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और एंटिटी की जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स है, कहीं ना कहीं वो ले सकते हैं, काफी है, हाँ, प्लस वेबसाइट देख लेना, वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन होती है। फिर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्या लोगे? पी से पॉलिसी, पी से प्लानिंग कमीशन, कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट ले ली। और बताओ क्या लोगे? एल फॉर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने लेजिस्लेशन उठा ली। और बताओ क्या उठाओगे? और बताओ क्या उठाओगे? तीन कमिटीज की रिपोर्ट्स हैं, वो भी उठा लो। अब इसके बाद आपने क्या किया? अपना पुराना काम देखा, पास्ट ऑडिट प्लस किसी और का काम, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च, मीडिया पे भी आ रही होंगी बातें, मीडिया कवरेज देख लेना। फिर हमने बात की थी सर ऑडिट क्राइटेरिया की, ये क्राइटेरिया कैसे पता लगेगा कि काम ठीक से हुआ है कि नहीं, तो चेक करो इसकी पॉलिसी क्या थी, चेक करो इसकी प्रोसीजर मैनुअल क्या थी। सेम बात है, प्रोसीजर मैनुअल, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स, ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं कवर हो गए। हो गए सर। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था? ये अपनी देख लो या किसी और की देख लो, यानी अदर्स विद सिमिलर एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स। अब बोलो समझ में नहीं आई सर, हमको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, तो फिर क्या करेंगे? एक्सपर्ट को बुलाएंगे, टेक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, हमने ली एक्सपर्ट एडवाइस। कंप्यूटर जी, इनको एक्सपर्ट एडवाइस दो। तो कंप्यूटर जी ने आपको दो एक्सपर्ट दिए, एक साइंस वाला, एक मैनेजमेंट वाला, यानी आपने यहां पे देख लिया साइंटिफिक नॉलेज, न्यू और एस्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज प्लस मैनेजमेंट का लिटरेचर वगैरह, अपन ने डन कर लिया। अब लास्ट पॉइंट वॉज अबाउट कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, तो इसका मैंने आपको मस्ट फ्लो चार्ट बनवाया था। क्या सबसे पहले चाहिए परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए? डेटा। सर कौन सा डेटा? मैंने कहा या तो एग्जिस्टिंग डेटा यूज कर लो, या तुम बाजार से जाके डेटा का सर्वे कर लो, या फिर कोई केस स्टडी है तो वो यूज कर लो। तो एग्जिस्टिंग डेटा, सर्वेज एंड केस स्टडीज, एंड देन फिर उस डेटा का क्या करेंगे? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर से रिजल्ट्स, एंड आखिरी में आया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर की बात एक बार रीड कर लेना। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव सवाल। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव सवाल। सर कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, सबसे पहले क्या मेरा प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव हुआ? मैंने कहा आंसर इज नो। क्यों नहीं हुआ? क्या प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुई थी? सेकंड चेक करो, प्लान प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट अचीव, अगर नहीं देयर मस्ट बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड थर्ड पॉइंट क्या था सर? थर्ड पॉइंट वॉज कॉस्ट। क्या मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है? हाँ, तो देयर कुड बी कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स। जो आपके कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है चेक करो कि वो एडिक्वेट है या नहीं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या थी? रॉ मटेरियल कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, वेस्टेजेस ज्यादा हो रही है। तो हम अपनी मशीन के साथ क्या कर सकते हैं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, हम अपनी मशीन के साथ क्या करें? मशीन खराब हो गई, मशीन हमारी खराब हो गई। तो सर आप डांस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है ना इसके बाद दो पॉइंट्स याद आ जाएंगे जैसे ही मशीन खराब हो जाएगी। सारे के सारे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, टैन टैन टैन, मशीन खराब है, ठीक करा ले का? हाँ सर ठीक करा लो। सबने बिल्कुल सही बोला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, R&D, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मशीन को ठीक करा लो या नई मशीन ले लो, अपग्रेड करा लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शाबाश। फिर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी का क्या मतलब है? जैसे बच्चे गवर्नमेंट वाले, बिक गई है गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं सर? ये सिविल सर्वेंट बनने के लिए एग्जाम पास करते हैं। यू हैव टू पास यूपीएससी। हम यहां पे क्या पास करेंगे? पीएससी। सर पीएससी का क्या मतलब था? पब्लिक प्रोप्राइटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम। वापस
कौन से तीन टेस्ट पास करके मेरा प्रोप्राइटरी टेस्ट पास होता है? सर बताओ, जल्दी से बताओ, पब्लिक प्रोप्राइटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम। अगर ये तीनों टेस्ट पास हो गए तो प्रोप्राइटी ऑडिट डन डनाडन डन। अब देखो सर, इसके बाद क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी। प्रिंसिपल्स क्या थे? प्राइमा फेसी, देखते ही खर्चा ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10,000 रुपए के टॉयलेट रोल लिए गए सीडब्ल्यूजी स्कैब में, क्या ये खर्चा देखने से ज्यादा लग रहा है? हाँ सर। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी नॉट फॉलोड प्लस जो भी ऑफिशियल खर्चा करेगा उसको उस प्रूडेंस के साथ खर्चा करना है, इस विजिलेंस के साथ खर्चा करना है जैसे वो उसका खुद का पैसा है। अब जो भी खर्चा सेक्शन करेगा उससे उसका खुद का फायदा नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन का फायदा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट वॉज, बताना जरा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, इन तीनों का भी कहीं ना कहीं फायदा नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ द ऑडिटर। जल्दी से पानी के दो घूंट लगाओ, आखिरी के बस दो टॉपिक और रिवाइज करने हैं। ओहो, सर ये फंक्शन ऑफ ऑडिटर क्या है? बड़ा सिंपल है, मोदी जी गए प्लेन में, आहा, एयर इंडिया में बैठे और उड़ गए। तो मैंने कहा ऐसे केस में क्या देखेंगे? सर ऐसे केस में देखेंगे जो प्लेन की टिकट थी वो एडवांस में बुक हुई कि नहीं, यानी जो भी खर्चा है इट वॉज इनकर्ड, दैट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड। अब जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जाता है तो चेक करो वो बिजनेस क्लास में जा रहा है या इकोनॉमी क्लास में, क्योंकि इकोनॉमी की टिकट सस्ती आती है तो उसमें जाना चाहिए। तो ये कह रहा था साइज ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी राइटफुल एंड एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। अब सेम पॉइंट को वापस रिपीट करेंगे क्या? वॉच, इवेल्युएट, क्या नाम था, अप्रेज, अप्रेज दैट द एक्सपेंडिचर इज गिविंग ऑप्टिमम बेनिफिट। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब अगर आपको लगता है आपके प्लान ठीक से काम नहीं कर रहे, योर थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली प्लान, तो आप सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन बताओ सो दैट द थिंग्स कैन बी इंप्रूव्ड। एंड लास्ट पॉइंट वॉज बेसिक पॉइंट, जो भी आपके एक्शन एंड डिसीजन है दे शुड पास द प्रोप्राइटी ऑडिट का टेस्ट। वो टेस्ट क्या था? पब्लिक प्रोप्राइटी, पीएससी करके टेस्ट अपन ने डिस्कस किया था, पब्लिक प्रोप्राइटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। तो ये आपके पांच पॉइंट हो जाते हैं। सबसे पहले जो भी बुकिंग है वो एडवांस में करके चलो, खर्चे को प्लान करके चलो। दूसरा जो आपका खर्चा है दैट शुड बी राइटफुल एंड एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट, राइटफुल खर्चा करो, अनाप शनाप खर्चा मत करो। तीसरा आपका खर्चा शुड गिव ऑप्टिमम बेनिफिट, एंड उसके बाद अगर प्लान बेकार चल रहा है तो प्लान को इंप्रूव करेंगे। एंड लास्ट में बेसिक बात करेंगे, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज डन एज अ ऑडिटर आई नीड टू चेक वो प्रोप्राइटी का टेस्ट पास करता है या नहीं। देन वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजी। सर सीएनएजी की रिपोर्ट क्या थी? चिकनकारी की कड़ाई। सर चिकनकारी की कड़ाई मतलब ये सारी कौन सी हैं? ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सीएनएजी ने इशू करी। इसमें से कुछ रिपोर्ट है जिनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल हुआ वो इसमें जाएगा, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बाकी बच गई बट जिसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं वो भी इसमें जाएंगे। बाकी कंपनीज की जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो इशू हुई है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ सीएनएजी अंडर 143(5) वो भी इसमें आएंगी, प्लस सीएनएजी ने जिनपे कमेंट दिया है, कमेंट्स ऑन द अकाउंट्स, वो भी इसका पार्ट फॉर्म करेंगे। एंड फर्स्ट पार्ट तो हमने बड़ा सिंपल सा था, इंट्रोडक्शन अबाउट द जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ दीज एंटिटीज। क्लियर है चारों पॉइंट्स? इंट्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, बाकी जो एंटिटीज रह गई जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल में कवर नहीं हो पाई बाय द ऑडिट बोर्ड, उनका क्या करना है, उनके सिग्निफिकेंट रिजल्ट और अपना ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज इशूड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सीएनएजी एंड जिसपे उन्होंने कमेंट किए हैं। अब आखिरी में मैं बस आपको इतनी सी बात बोलूंगा जो शायद आपको ऑलरेडी पता है बट आई फील आपको वापस एक बार याद दिलानी चाहिए। सर हमारा गोल है हम सीए फाइनल क्लियर करें, हमारा गोल है हम सीए फाइनल में रैंक लेके आए, बड़ा सोचो, हम इसमें कुछ अच्छा करके दिखाएं, कैसे करें? डिसिप्लिन से होगा बाबू, डिसिप्लिन से होगा। जब सुबह अलार्म बजता है ना उसको स्नूज मत किया करो, चुपचाप उठ जाया करो। सर क्यों? क्योंकि बाकी 10% बच्चे उठ रहे हैं, बाकी 10% बच्चे उठ रहे हैं तो ये उठ के पास हो जाएंगे, 90% सोते ही रहेंगे। तो अगर तुम चाहते हो ना उस टॉप 10% में आना, डिसिप्लिन लाना जरूरी है। प्लस जो भी चैप्टर क्लास में करते हो उसके बाद उसको रिवाइज कर लिया करो। सर क्यों? बाकी 10% कर रहे हैं तो वो फिर वो पास हो जाते हैं, फिर 90% की बैंड बच जाती है। सो अल्टीमेटली इट इज द डिसिप्लिन दैट विल मेक यू द सुपरस्टार। अब आपके ऊपर है, जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाना चाहते हो या सुपरस्टार बनना चाहते हो? एक लाइफ है, मेक इट लार्ज, ठीक है? सो आई फील यू शुड बिकम द सुपरस्टार ऑफ योर लाइफ, एंड वो सुपरस्टार बनने के लिए
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू एंजॉयड द रिविजन. अब इसके बाद एक बार सेल्फ रिवाइज कर लेना पूरे टॉपिक्स को, तो उससे आपको एकदम नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा. एंड यस, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक. जो भी क्वेश्चन आपने मार्क वगैरह कर रखे उनको अच्छे से कर लेना, सो दैट यू आर एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ. यू ही खुशी खुशी मल आगे पढ़ते रहो. खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे.